हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज बनाते हैं स्पंज केक, और इसका स्पेशल है सोडा डाल के केक बनाते हैं। इसमें दूध और दही नहीं जाएगा, ओनली सोडा, बेकिंग पाउडर और खाने का सोडा जाएगा। ये है अपना मेन हीरो सोडा, इसको डाल के केक बनाते हैं। एकदम फ्लफी सॉफ्ट केक बनने वाला है, पूरा वीडियो देखना। अभी पहले एक बेकिंग ट्रे लेना, इसमें तेल डालना है। ये बेकिंग ट्रे है, इसमें 2 स्पून ऑयल डालना और इसको स्प्रेड करना अच्छे से। स्प्रेड करना, तेल अच्छा स्प्रेड हो गया। अभी इसमें 1 स्पून मैदा पाउडर डालना और मैदा पाउडर डाल के थोड़ा सा स्प्रेड कर देना इसको, ऐसा डस्टिंग करने का। ओके, पूरा डस्टिंग करो। देखो अभी डस्टिंग किया, सब जगह से मैदा लगा हुआ है, एकदम मक्खन का जैसा केक निकल रहा है, एकदम इजीली केक निकल जाएगा। देखो अच्छा से स्प्रेड करना। एक बड़ा बोल लेना, उसमें 3 अंडा डालना। 3 अंडा, अंडा कम नहीं होना चाहिए, 3 अंडा होना चाहिए। 3 अंडा रहेगा तो अच्छा टेस्टी केक बनेगा आपका। तीन अंडा बीट करना है आपको। अभी ये बीटर से आप मार सकते हैं, किसके पास बीटर नहीं तो इससे भी आप अच्छे से बीट करके अच्छा फ्लफी हो जाएगा। मेरे पास बीटर है तो मैं बीटर यूज़ करूँगा। इसको अच्छे से बीट करना, एक 5-10 मिनट अच्छे से बीट करो। इसको अच्छे से बीट करना, फ्लफी हो रहे देखो, और भी अच्छे से बीट करो, एकदम अच्छा से स्पंज केक निकलेगा बनेगा। अच्छे से बीट मारो, ऐसे 5-10 मिनट अच्छे से बीट करना चाहिए। अंडा अच्छा बीट हो गया है, अभी उसमें 1 कप शुगर डालना है। ये पाउडर शुगर है, सादा शुगर को मिक्सी में मार देना तो अच्छे से पाउडर हो जाएगा। 1 कप शुगर, उसमें आएगा 100 ग्राम बटर, 1 छोटा 1 पिंच सॉल्ट है, ये डालना थोड़ा बैलेंस होने मीठा, और 2 स्पून वेनिला एसेंस। अच्छा से भर के डालो तो अच्छा स्मेल और टेस्ट आएगा। वेनिला एसेंस कम नहीं होना चाहिए, 2 स्पून डालना अच्छा से। उसके बाद में आएगा 1 कप रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल है, 1 कप डालना इसमें। अभी इसको अच्छा से बीट करना है, इसको अभी अच्छा से बीट कर दो। वेनिला एसेंस, बटर, शुगर सब अच्छे से मेल्ट होएगा बीच में। 5-10 मिनट अच्छे से बीट कर लेना। अभी बेकिंग पाउडर डालना है, 1 स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 स्पून खाने का सोडा। ओके, ये 2 मिक्स करना है। ये 1/2 स्पून खाने का सोडा है, ये डालना। आधा स्पून बेकिंग पाउडर है, ये भी मिक्स कर देना। 1 स्पून मैदा, 1 कप मैदा, 1 कप मैदा डालना है, ऑल पर्पस फ्लावर, ये 1 कप डालो। और इसके बाद में आपको मिक्स करना है कट एंड फोल्ड, ऐसा हाफ ऐसा कट एंड फोल्ड में इसको मिक्स करना है, स्लोली स्लोली मिक्स करना है इसको। देखो अच्छे से बैटर, देखो स्मूथ बैटर बन गया है। देखो अभी इसमें सोडा डालना है, अभी आपको मैं सोडा डाल के दिखाता हूँ।
अभी इसमें से एक आधा कप सोडा डाल देना। सोडा डाल के देखो, सोडा सोडा का बबल, थोड़ा थोड़ा सोडा डालो। अब देखो कितना लगता है उतना, थोड़ा लूज होना चाहिए। अभी बेकिंग ट्रे में बैटर डाल देना। और ये थोड़ा ड्राई फ्रूट्स है, ये ड्राई फ्रूट्स में से थोड़ा से मैदा डस्टिंग कर देना कि बराबर सोक नहीं होएगा। ऐसे थोड़ा मैदा कोटिंग कर देना और इसको इसको ऊपर डालने का। अभी ये ड्राई फ्रूट्स इसको ऊपर डाल देना, मैदा डस्टिंग किया है इसको इसको ऊपर देना, तो ड्राई फ्रूट्स सब ऐसे ऊपर ही रहेगा। ये बादाम है और ग्रेप्स है, कैशू नट है। अभी इसको बेक को रखना है। एक बड़ा पैन लेना, उसको 10 मिनट प्री हीट किया है, उसके बाद में इसके अंदर रखना है। और इसको 15 मिनट्स हाई फ्लेम में रखना है, और उसके बाद में हाफ एन आवर स्लो में रखना है, स्लो लो हीट में पकाना है। अभी इसको बंद करता हूँ, अभी बेक होने के बाद आपको दिखाता हूँ। हाय गाइस, अभी देखो केक 15 मिनट्स के बाद अभी चेक कर रहा हूँ, गर्म है। देखो बैलून का जैसा केक फूक गया है ना, बैलून की जगह आपको पता है कि दिख रहा है, देखो एकदम बैलून के जैसा फूकेला है। आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ गाइस। अभी केक को एक ऊपर एक प्लेट रख देना, कल प्लेट रख के ऐसा करके एक मार देना, आपका केक रेडी। मैजिक, एकदम स्पंज के जैसा केक है, देखो सुपर डुपर केक बना है। अभी इसको आपको काट के दिखाता हूँ, कट करके दिखाता हूँ। देखो एकदम क्लियर केक दिखता है, देखो एकदम सॉफ्ट केक। अब इसको मैं आपको काट के दिखाता हूँ, एकदम सॉफ्ट केक है। अभी केक काट के दिखाता हूँ, एकदम सॉफ्ट केक बना है, देखो एकदम मस्त, एकदम क्रंची केक, एकदम टेस्टी। सब लोग खाओ खाने के लिए, देखो एकदम सॉफ्ट केक है। जो मैं बोला वैसे ही बनाओ, नहीं समझा तो वापस देख के 2-3 बार वीडियो देखो और बराबर से केक बनाओ, ऐसे ही टेस्टी केक बनेगा, 100% आपका परफेक्ट केक बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।